राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हर जगह की संस्कृति और लोक नृत्य आपको देखने को मिलेगा गीता महोत्सव में। मैम कहाँ से हैं आप? हम जोधपुर से। और ये कौन सी ड्रेस पहनी है आपने? काल बेलिया। अच्छा, और क्या करने वाली हैं आप यहाँ पे? डांस। डांस राजस्थानी लोक नृत्य करेंगी? नहीं, काल बेलिया। काल बेलिया तो क्या रहता है इसमें, क्या अलग होता है? हमें किस तरीके से किया जाता है ये, क्या पोशाक रहती है? हमारी परंपरा है यहाँ से काल बेलिया करने के लिए, तो हम लोग काल बेलिया करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम राजस्थान बाड़मेर जिले में, छोटा सा गांव है। तो हर साल आते हैं आप यहाँ क्षेत्र? तो अच्छा रहता है, रौनक अच्छी होती है यहाँ पर। लोग बहुत समझदार हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कलाकारी को और हमको भी। लोगों को पसंद आता है बहुत, ऐसा कोई हम मराठी तो गाते नहीं, हम तो प्योर हिंदी गाते हैं, तो समझ में आता है। थोड़ा सा गाना गा के बताएंगे, थोड़ा सा माइक पे गाइएगा, आप थोड़ा सा डांस करके दिखाएंगे जब सर गाना गाएंगे, थोड़ा सा। जोधपुर से पहुंचे हैं, बहुत ही खूबसूरत नृत्य किया, बहुत ही खूबसूरत आवाज। आप भी बताइएगा, आपने कभी सुना है कुरुक्षेत्र में इस तरीके का जोधपुर का लोक नृत्य? और एक और मैं आपको दिखाऊं कि पंजाब का जो लोक नृत्य होता है, पंजाब का एक अलग ही कला प्रदर्शनी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आप भी पहुंच सकते हैं ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में, जहां पर लग चुका है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तेरे शर के ले आनाया, तेरे शर के ले आनाया, छोरा मेरा भी पाल लिया, छोरा मेरा भी पाल लिया। तेरे झोले जुमरा पाइया, तेरे झोले जुमरा पाइया, छोरा मेरा भी पाल लिया, छोरा मेरा भी पाल लिया। जोगी उत्तर पहाड़ों आया, हो जोगी उत्तर पहाड़ों आया, अपनी दी शूक सुन के जोगी उत्तर। पंजाब की बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के बाद एक बार बातचीत करना चाहूंगी, तो सर इसे क्या बोलते हैं, कौन सा ये यंत्र है और अपनी पोशाक के बारे में बताइए। देखो जी, ये यंत्र का है तुम्बा, हाँ जी, जिन्हों एक तारा भी बोलते हैं। ये है बंजली, जो रांझे ने बजाई सी, हाँ जी। ते साडा ये जिहड़ा फोक डांस है, लोक नाच है, इहदा नाम है झूमर, हाँ जी। पार्टीशन तो पहला जदों इंडिया ते पाकिस्तान बने हैं, साडे वड्डे वडेरे उत्थे कट्ठे पाउंदे सीगे, पंजाब जिहड़ा पुराना वड्डा पंजाब सीगा, उस तो बाद साडे वड्डे वडेरे इस लोक नाच नूं इधर लैके आए, असीं बरकरार रख्या होया। तो आप आज तक ये नृत्य करते हैं? हाँ जी, आज तक करते हैं आप इस नृत्य को? हाँ जी, हाँ जी, बचपन से हमारे बुजुर्ग करते रहे, हम भी करते हैं। और कैसा लग रहा है गीता महोत्सव में? बहुत अच्छा, हम पहले भी आए थे, पिछले साल भी,
और उससे पहले भी आए हुए हैं। पसंद आता है लोगों को? बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग मिलते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छी लगी ये खूबसूरत सी प्रस्तुति, और मुझे बहुत ही नई चीज़ जानने को मिली कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी नहीं हुआ था उस वक्त का है ये डांस, इतना प्राचीन है ये डांस। अब दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की एक बहुत शानदार प्रस्तुति। भारत देश की संस्कृति हो या फिर परंपराएं, किसी का भी दिल लुभा सकती है, और आज मैंने इतनी खूबसूरत लोक नृत्य की प्रदर्शनी देखी है वार्षिक गीता महोत्सव में, और ये लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले तो इनकी पोशाकें देखिए, नई सी लगती हैं, लेकिन उत्तराखंड का कल्चर है और ट्रेडिशन है। हाय मैम, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड। क्या नाम है आपका? रिंकी राणा। आज जो आपने नृत्य किया, क्या नाम होता है उसका? उसका तांदी और हारून। और कहाँ का प्रचलित नृत्य है ये? ये हमारे उत्तराखंड जौनसार का है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो पोशाक आप पहनते हैं इसको क्या बोला जाता है? ये हमारी ज्वेलरी होती है, इसको नथ बोलते हैं, इसको गलाबंद बोलते हैं, ये चंद्रहार होता है, और वैसे ये तो उसके लिए सिर्फ शो के लिए लगाया हुआ है। और ये जो नृत्य रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप जब आपको पता होता है यहाँ आना है परफॉर्म करना है? मैम, इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। वैसे तो सबको आ ही जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है जी। सर आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी दयाल है। तो आप गाते हैं जी। तो ये जो गाना होता है, ये गायन की जो क्रिया है, क्या बोला जाता है इन गानों? ये हमारे उत्तराखंड के लोकगीत हैं, कुछ गाने कंपोजिशन है जो वहाँ के राइटर हैं उन्होंने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत गीत हैं, जिसमें जो हरूल है वो हमारा फोक है, लोकगीत है, वो वीर रस है, उसमें जो वीर गाथाएँ हैं उसको उसमें गाया जाता है। तो मैम, आपका ये जो कल्चर है इससे लोग भी अवगत होते हैं, वो भी जानते हैं उत्तराखंडी ट्रेडिशन के बारे में, तारीफ करते हैं जब आपका डांस देखते हैं, तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा। और ये आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? हमें बहुत टाइम लग जाता है ये ज्वेलरी पहने मतलब। और ये जो सर पे बांधा जाता है इसको क्या बोलते हैं? इसको डांटू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये क्या मतलब वजह होती है, क्यों पहनते हैं इसको, क्या ये पूरी मतलब ये पूरी ड्रेस पहननी पड़ती है हमारे उसमें ना? मजा आ रहा है, अच्छा लगा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। एक्चुअली ये जो ढाटू है, हमारा जो महिला है, महिला को बहुत सम्मान दिया जाता है, और ये सर ढकने के लिए काम आता है, और जो भी शादीशुदा महिला होती है वो इस ढाटू को पहन के अपना सम्मान इसको जो है माना जाता है। तो और जो पुरुष होते हैं वो ऐसे टोपी पहनते हैं? ये टोपी पहनते हैं जी, बिल्कुल। अरे वाह, बहुत खूब, एक बार देख लीजिए कितनी खूबसूरत प्रदर्शनी है। आप लोग भी पहुंच जाइए 15 दिसंबर से पहले पहले कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर, एक खूबसूरत रंग बिरंगी दुकानें और एक और सांस्कृतिक खूबसूरत प्रोग्राम। पंजाब का लोक नृत्य हो, गुजरात का लोक नृत्य हो, या फिर राजस्थान के जोधपुर का लोक नृत्य हो, आपका भी मन जो है वो खुश हो ही जाएगा। Oh,
ना ना।